अगर मैं बात करूं जावा स्क्रिप्ट की, तो जावा स्क्रिप्ट का मैं की मैं बात करूं तो जावा स्क्रिप्ट की जा क्लाइंट साइड पहले था, यानी कि क्लाइंट साइड मैंने लिखा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, बट या इट कैन ऑल्सो यूज इन जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, यस, इट कैन ऑल्सो यूज इन सर्वर साइड बाय यूजिंग क्या, नोड जेएस, नोड जेएस, ठीक है, बाय यूजिंग नोड जेएस, ठीक। चलो, जावा स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाई ब्रेंडन एज इन 1996, ब्रेंडन एज इन 1996, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट का पहले अगर मैं 1995 में बात करूं, 1995 में बात करूं, तो जावा स्क्रिप्ट से, जावा स्क्रिप्ट का जो पुराना नाम था, उसका पुराना नाम था मोका। क्या नाम था? मोका, मोका। उसके बाद 1995 में ही लगभग एक महीने बाद आपका इसका नाम रख के कर दिया गया लाइव स्क्रिप्ट, लाइव स्क्रिप्ट। फिर उसके बाद अर्लियर चेंज हुआ 1996 में, तो उसका ब्रेंडन ईच ने कंप्लीटली उसको डेवलप किया और उसका नाम रख दिया क्या, उसका नाम क्या रख दिया, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। लाइव स्क्रिप्ट से नाम चेंज करके जावा स्क्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, जावा स्क्रिप्ट का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो, फीचर, फीचर्स ऑफ जेएस, फीचर्स ऑफ जेएस, ओके। देखो आज देखो मैं कितने स्टूडेंट हैं अभी, ओके, मैं फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट की बात करूं तो जेएस प्रोवाइड्स क्लाइंट साइड वैलिडेशन, क्लाइंट साइड, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब क्या है, इसके अगर मैं एक एक पॉइंट लिख लूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। जेएस प्रोवाइड क्लाइंट साइड वैलिडेशन, दूसरा यहां पे जेएस जावा स्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटर, इज अ, यानी कि मैं यहीं पे शॉर्ट में लिखता हूं इंटरप्रेटर बेस, इंटरप्रेटर बेस। तीसरा डॉम एक्सेसिंग, ये क्या है मैं अभी बता रहा हूं, डॉम एक्सेसिंग। चौथा डॉम मैनिपुलेशन, डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। पांचवा इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग। देखो पहले जावास्क्रिप्ट क्या था, अगर मैं ओल्ड वर्जन की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता था, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। लेकिन अब मैं कंप्लीटली अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट तो नहीं करता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने लगा है। अगर मैं बात करूं 2021-20 से, तो है ना, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें क्लास बना सकते हो। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए कराने के लिए पहले हम लोग टाइप स्क्रिप्ट, जैसे एंगुलर में आप पढ़ोगे टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में क्या है कि वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें कोड को जब कंपाइल करते हैं तो वो जेएस में, जेएस की फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब अगर मैं लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट की बात करूँ तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने किया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि इसमें क्लास बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इनहेरिट कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को सपोर्ट करने लगा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जेएस इज सिंपल, जेएस इज सिंपल एंड एजी टू लर्न, एजी टू लर्न। अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, पहले पॉइंट की, तो जेएस प्रोवाइड्स क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट का मतलब क्या है, क्लाइंट साइड का मतलब क्या है, क्लाइंट साइड अभी आप समझे हो, सुने हो, क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होते हैं, क्लाइंट क्या होता है, वेब ब्राउजर। तो वैलिडेशन से मतलब ये है कि जैसे अगर आप वेबसाइट की बात करो, अगर आप वेबसाइट की बात करो, वेबसाइट पे जाते हो, मैं यहाँ पे आऊँ, मैं वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेबसाइट ओपन किया, क्लाइंट का मतलब, जब भी मैंने बताया कि जब भी क्लाइंट की बात करें तो आप समझोगे वेब ब्राउजर, ब्राउजर, वेब ब्राउजर समझोगे। तो मैं बात करूं कि क्लाइंट पे किसी चीज को वैलिडेट करना, वैलिडेट, वैलिडेट से मतलब क्या है, वैलिडेशन से मतलब क्या है कि वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना है कि जो भी आप चीजें एंटर कर रहे हो वो सही है कि नहीं। अगर मैं बात करूं वैलिडेशन की, तो ये कॉन्टेक्टस फॉर्म है, एक फॉर्म है, और इसमें आपको यहाँ पे आप बताओ कि ये नेम इनपुट करने का हमने फील्ड बनाया है, और नेम में कोई यूजर आता है, यहाँ पे टाइप कर दिया
नंबर, ये क्या वैलिड है क्या बताओ, ये वैलिड है क्या? नहीं वैलिड है। आप नाम के जगह पे नंबर इनपुट कर पा रहे हो, किसी का नाम क्या दो कैरेक्टर, शॉर्ट नेम हो सकता है लेकिन किसी का नाम दो कैरेक्टर का तो नहीं होगा। मिनिमम किसी का नाम बनने के लिए तीन कैरेक्टर चाहिए। वैलिड नाम तभी होगा जब उसका मिनिमम उसमें कितने कैरेक्टर होंगे, तीन। दो से कोई नाम नहीं बनेगा, शॉर्ट नेम हो सकता है लेकिन नाम नहीं होगा, इसके लिए वैलिडेशन कर सकते हो। नेम में अगर नेम है तो नंबर नहीं होगा उसमें, इसके लिए वैलिडेट कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर की मैं बात करूं, और ये सारी चीजें आप क्लाइंट पे, क्लाइंट का मतलब ब्राउजर पे ही चेक करा लो, सर्वर से हम जाके सर्वर पे हम चेक नहीं करेंगे कि सही इनपुट किया है कि नहीं, वेब सर्वर से हमको मतलब नहीं है, हम एक ब्राउजर पे ही चेक कर लेना कि यहाँ पे अगर ब्राउजर पे आप एंटर कर रहे हो अगर यहीं पे गलत है तो हम यहाँ से हम आगे सर्वर पे इसको नहीं भेजेंगे, यहीं पे हम ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पे हम डेटा ही नहीं भेजेंगे गलत, ब्राउजर पे ही चेक करा लेना। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन का मतलब कि क्लाइंट पे ब्राउजर पे ही चेक कर लेना कि आप जो इनपुट करा रहे हो चीजें वो सही है कि नहीं, है ना, ब्राउजर पे ही चेक कर लेना। जैसे अगर मोबाइल नंबर की मैं बात करूँ, तो मोबाइल इंडियन मोबाइल नंबर की मैं बात करूँ तो इंडियन मोबाइल नंबर कितने नंबर का होता है, 10 डिजिट का। एक तो ये वैलिडेशन लगा सकते हो कि ये फॉर्म है तो इसमें इनपुट हम 10 ही नंबर इनपुट करा पाए। और इंडियन मोबाइल नंबर है तो आपको पता है कि इंडियन मोबाइल नंबर किससे स्टार्ट होता है, इंडियन मोबाइल नंबर बहुत सारे बोलेंगे कि +91 क्या है, कंट्री कोड होता है। अगर मोबाइल नंबर की बात करूं, फोन नंबर नहीं, अगर मोबाइल नंबर की बात करूं तो वो पहला जो डिजिट होता है या तो 9 होता है, या तो 8 होता है, या तो 7 हो सकता है, और जब से जियो आया है 6 भी हो सकता है, है ना। तो पहला डिजिट इसके लिए वैलिडेट कर सकते हो क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउजर पे, कि जो मोबाइल नंबर यूजर ने एंटर किया है वो 10 डिजिट का है कि नहीं, और पहला उसका जो नंबर है वो या तो 9 होना चाहिए, या तो 8, या तो 7, या तो 6 हो, अगर 5 है तो वो वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर नहीं है, इसके लिए वैलिडेट कर सकते हो। आपने पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर देखा होगा, जैसे पासवर्ड कहीं पे बनाते हो तो लिखते हो अगर केवल नंबर यूज किया तो वीक पासवर्ड बताता है, आप उसमें कैरेक्टर भी यूज कर लेते हैं, अपर केस लेटर आप यूज कर लेते हो तो वहां पे मीडियम बताने लगता है, लोअर केस यूज कर लिया और तो स्ट्रांग बताने लगता है, आपने स्पेशल कैरेक्टर को यूज किया कर लिया तो वेरी स्ट्रांग बताने लगता है। तो ये सारी चीजें आप ब्राउजर पे चेक करा लेना कि जो आप फॉर्म से डेटा भेज रहे हो सर्वर पे वो वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड नहीं है तो यहीं पे ब्राउजर पे ही चीजें ब्लॉक कर देंगे, इसके लिए आप वैलिडेट कर सकते हो फॉर्म को। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन में आपको जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो, जो जावास्क्रिप्ट होता है इंटरप्रेटर बेस्ड होता है, यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें जो लैंग्वेज कन्वर्टर काम करते हैं वो इंटरप्रेटर होते हैं। तीसरा क्या है कि डॉम एक्सेसिंग क्या है, डॉम एक्सेसिंग और डॉम मैनिपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस जावास्क्रिप्ट का। अगर मैं बात करूं सिंपल, अगर अभी प्रैक्टिस की मैं बात ना करूं तो ऐसे ही आपको समझाऊं, तो डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि है क्या, इसका फुल नेम है डॉक्यूमेंट, डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो डॉम का मतलब होता है, देखो जैसे आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हो तो आप एचटीएमएल के साथ साथ आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो, तो जो आप एचटीएमएल, जैसे ये इस पेज में हम जावास्क्रिप्ट को यूज करने जा रहे हैं तो इस पेज को, पूरे पेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस पेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर आप इतना ही अभी समझो कि इस पूरे पेज को, पूरे एचटीएमएल पेज को क्या बोलोगे, डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर जितने भी आप टैग यूज करते हो उसको बोलोगे क्या, ऑब्जेक्ट। अगर जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में मैं बात करूं, अगर मैं HTML के लैंग्वेज में बात करूं तो आप टैग को क्या बोलोगे, टैग, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में उसको क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल यानी कि वेरिएबल एंड फंक्शन होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल और फंक्शन हो सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी एंड मेथड हो सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट आपको मैं बताऊंगा, तो ये अभी के लिए ये समझो कि जो HTML का पेज होता है उसको बोलते हैं क्या, डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर जितने भी टैग हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि HTML को क्या बोलोगे, टैग नहीं, जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में बोलोगे ऑब्जेक्ट। हेड को क्या बोलोगे, लिंक को क्या बोलोगे, बॉडी को क्या बोलोगे, स्टाइल को क्या बोलोगे, ये सारे टैग क्या है, ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक्सेसिंग है और ट्रैवर्सिंग है, क्या मतलब है, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपने मान लो कि ये स्लाइडर बनाया या कोई भी आपने ये टेक्स्ट बॉक्स इनपुट किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन बनाया है, ये क्या है, ये पूरा पेज HTML का मान लो यूज करके बना है तो इसको क्या बोलोगे, डॉक्यूमेंट, और इसके ये कैसे बना है, ये एक ऑब्जेक्ट का यूज करके बना है, कौन सा, इनपुट ऑब्जेक्ट का यूज करके बना है। तो इस ऑब्जेक्ट से हम कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, डॉम एक्सेसिंग का मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का मतलब ये टैग है, मैंने बताया कि HTML में जो टैग यूज करते हो उसको जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में बोलोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी देखोगे कि इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी और फंक्शन एक्सेस करोगे, जैसे आप इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज करते हो उसको एक्सेस करोगे, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन भी लिखूंगा। तो मैं सिंपल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इनपुट क्या है, ऑब्जेक्ट, और इससे कुछ एक्सेस करना है, जैसे हमने लिखा राम और बटन पे क्लिक करने पे मान लो हम चाहते हैं कि इसको एक डिवीजन पे प्रिंट हो जाए कि आपने इसमें राम इनपुट किया था, ये राम गेट करके और उस पे हम इनपुट करते हैं डिवीजन पे कहीं और प्रिंट करा दें, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट से चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉम एक्सेसिंग। और हम जो प्रिंट करा रहे हैं, मान लो कि डिवीजन यहाँ पे कोई बना है यानी कि पैराग्राफ बना है, उसमें मान लो लिखा वेलकम टू टेक 5, कोई पैराग्राफ है और उस, यानी कि पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ जावास्क्रिप्ट के लिए ऑब्जेक्ट है, यानी कि पैराग्राफ ऑब्जेक्ट है और उसपे मान लो पहले से लिखा है वेलकम टू टेक फाइल, और आप उसी पैराग्राफ पे क्लिक करने पे आप क्या चाहते हो कि वहां पे वेलकम टू
वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट लिख दिया, यानी कि चेंज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में, चेंजेस कुछ करना है तो उसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेटर। आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट एक स्लाइडर बनाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट का, आपने एक इमेज लगाया है और हर एक सेकंड पे आप इमेज को चेंज करते रहना चाहते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट आप इमेज लगाए हो तो आईएमजी टैग का यूज करके इमेज लगाए हो, आईएमजी टैग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इमेज को चेंज करना है यानी कि उस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है यानी कि उसके एसआरसी की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, यानी कि चेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट में, कुछ चेंजेस कर रहे हो, इसको बोलेंगे क्या, डॉम मैनिपुलेशन। ओके क्लियर है, ये आप आगे करोगे, कल से हम लोग इसको देखेंगे कैसे वैल्यू को गेट करना है, कैसे डॉम एक्सेसिंग करना है, कैसे मैनिपुलेशन करना है, सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ओके चलो, तो ये आया आपका, यहाँ पे मैं आता हूँ इस पे, डॉम एक्सेसिंग और डॉम मैनिपुलेशन। इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग यानी कि देखो यहाँ पे आप जैसे सी में फंक्शन बनाते हो तो कॉल करने के लिए डायरेक्ट आपने फंक्शन का नेम यूज कर लिया, फंक्शन कॉल कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी फंक्शन आप बनाओगे बहुत सारे टाइम के टाइप के, और उस फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे आप बटन के क्लिक करने पे कोड को, फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे आगे। तो बटन के क्लिक करने पे आप कोड को एग्जीक्यूट, फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ऑन क्लिक इवेंट होता है, बटन पे डबल क्लिक करने पे कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो ऑन डीबीएल क्लिक इवेंट होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के चेंज होने पे कोई फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ऑन चेंज इवेंट है, ऑन फोकस इवेंट, ऑन ब्लर इवेंट, ऑन कंटेक्स्ट मेन्यू इवेंट, ऐसे ऑन माउस ओवर इवेंट, ऑन माउस लीव इवेंट, ऐसे बहुत सारे इवेंट हम लोग आगे देखने वाले हैं, यानी कि फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग यूज किया जाता है, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट है पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, यानी कि इसमें यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था सॉरी, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब यह है कि इसमें आप पहले क्लासेस वगैरह, इनहेरिटेंस वगैरह यूज नहीं कर सकते थे, नहीं बना सकते थे, लेकिन अभी करंट की मैं बात करूं, करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं बात करूं, तो यहां पे जावास्क्रिप्ट कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंट के फीचर को सपोर्ट करता है, जैसे क्लासेस बना सकते हो, इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, और जेएस इज सिंपल,